इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बायो बुक में भी आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी पैराग्राफ या टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और किस पोर्शन में कितनी बोन्स आती हैं, और हर एक बोन का नाम भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली 206 बोन के नाम आपको क्लेरिफाई हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं, इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहले पोर्शन को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 बोन्स आती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 बोन्स आती हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रोमिनेंट यहीं से अराइज होता है कि हमारे 206 बोन्स को किस रेशियो में बाइफरकेट किया गया है। तो 80 बोन्स में और 126 बोन्स में डिवाइड किया गया है हमारे 206 बोन के सिस्टम को। तो एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन वो सिस्टम होता है, मेन एक्सिस से जितनी भी बोन्स अटैच होती हैं वो एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। रेस्ट ऑफ जितनी भी बोन्स बचती हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, और जितने भी मींस शोल्डर बोन है और हिप बोन है, ये सभी चीजें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ते हैं। इन दोनों ही सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो कलर्ड पोर्शन है ये सिंबलाइज कर रहा है एक्सियल स्केलेटन को। अगर हम बीच में एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्सिस से अटैच जितनी भी बोन्स हैं वो सभी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। रेस्ट ऑफ ये हाथ की जितनी भी फोर लिम्स हैं या फिर हाइंड लिम्स हैं, ये कॉक्सल बोन है और ये शोल्डर बोन है। ये सभी चीजें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सभी बोन्स के नाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और देन उसकी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन 80 बोन से मिलकर बना हुआ है, अपेंडिकुलर सिस्टम 126 बोन से मिलकर बना हुआ है। देन एक्सियल स्केलेटन में स्कल आ जाएगा, 29 बोन्स होती है, स्टर्नम एक बोन है, सिंगल बोन, रिब्स 24 बोन्स होती है, 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो गर्डल प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, मींस जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और जो हमारे हिप बोन्स अटैच होती है वहां पे पेल्विक गर्डल होता है। तो इसमें 6 बोन्स हो जाएंगी, 4 लिम्स और हाइंड लिम को मिला के लिम बोन्स बनती है, 120 बोन्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। मींस एक हाथ में 30 बोन्स एंड द दूसरे हाथ में 30 बोन्स, तो 60 बोन्स हो गई फोर लिम में, एक पैर में 30 बोन्स और दूसरे पैर में 30 बोन्स, तो हाइंड लिम में भी 60 बोन्स, तो टोटल 120 बोन्स इस तरह से हो जाती है। तो अपेंडिकुलर को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्कल के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, स्कल में जो 29 बोन्स हैं, तो स्कल को भी फर्दर आगे कई पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि स्कल जो हम खोपड़ी देखते हैं इसमें काफी बोन्स होती हैं। जो चेहरे पे बोन्स आ रही हैं उन्हें हम फेशियल बोन्स कहेंगे। उसके बाद स्कल में जो ऊपर खोपड़ी पे होती है क्रेनियम, जो एक बोन का बना हुआ बॉक्स होता है, उसमें 8 बोन्स होती हैं। कानों में जो बोन्स होती हैं उन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वहां पे 6 बोन होती हैं, और एक हायोइड बोन होती है जो भी हम डायग्राम में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियम में 8 बोन होती हैं। बोन के नेम्स पहले देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम में भी देखेंगे कि कौन सी बोन कहाँ पर होती है और कैसी दिखती है। तो फ्रंटल बोन होती है 1, पेराइटल 2 बोन होती है, टेम्पोरल 2 बोन होती है, ऑसिपिटल 1 बोन होती है, सिफनॉइड 1 और एंथमॉइड 1 बोन होती है। तो ये टोटल 8 क्रेनियम की बोन्स बन जाती हैं। अब हम क्रेनियम का डायग्राम देख लेते हैं, क्रेनियम की बोन्स। तो ये आपकी 8 क्रेनियल बोन्स हैं। यहाँ पे जो आपका फ्रंट साइड है, जो हेड का फ्रंट साइड होता है, मींस जो मत्था होता है, वहां पे हमारी फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है, एक सिंगल बोन। उसके बाद जो हमारा हेड वाला रीजन होता है ऊपर, यहां पे क्या होता है, अंदर से ब्रेन में एक सूचर प्रेजेंट होता है, जिसे हम जॉइंट या कार्टिलेज का जॉइंट भी कह सकते हैं। वहां से हमारा ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर में। इसी तरह ये पेराइटल बोन भी दो होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, हमारे हेड को कवर करने के लिए। टेम्पोरल बोन भी दो होती है, ये कान के साइड में पाई जाती है, तो एक राइट कान के साइड में और एक लेफ्ट कान के साइड में दो टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। हाइंड ब्रेन जो होता है लास्ट में, वहां पर बोन प्रेजेंट होती है, जिसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। देन सिफनॉइड बोन होती है हमारे आईज के बहुत ही पीछे, बिहाइंड में सिफनॉइड बोन पाई जाती है। एंथमॉइड होती है जो हमारे नेजल कैविटी के और पीछे, वहां पे एंथमॉइड बोन एक प्रेजेंट होती है। तो टोटल ये 8 क्रेनियल बोन्स हो जाएंगी, आपको इनके नाम्स याद रखने हैं। देन 8 क्रेनियम बोन्स के बाद अब हम फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 14 होती हैं। मैक्सिला 2 होते हैं, जाइगोमैटिक बोन्स 2 होती हैं, नेजल बोन, लैक्राइमल, पैलेंटाइन, इन्फीरियर नेजल कॉन्ची, मैंडिबल और वोमर, ये इतनी 14 बोन्स फेशियल बोन्स कहलाती हैं। तो फेशियल बोन्स का भी डायग्राम देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियरली विजिबल है सभी 14 फेशियल बोन्स। पैलेटाइन बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये नेजल कैविटी के और ऊपर, नोज के और ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जाइगोमैटिक बोन्स जो प्रेजेंट है, ये आपके चीक वाले पोर्शन में, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से है, चीक वाले पोर्शन पे जाइगोमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वोमर बोन जो होती है, ये आपकी जो नोज की सेंट्रल लाइनिंग होती है बीच से, जो आपके दो नॉस्ट्रिल्स अलग अलग होते हैं उसके बीच में सेंटर पे वोमर बोन पाई जाती है। मैक्सिला बोन जो होता है, ये अपर आपका जो जॉ होता है, टीथ के ऊपर वाला जो जॉ होता है, अपर जॉ, यहाँ पे मैक्सिला बोन प्रेजेंट होती है।
होती है दो, नीचे जो लोअर जॉ प्रेजेंट है, इस लोअर जॉ में यहाँ पे मैंडिबल बोन प्रेजेंट है और ये एक सिंगल बोन होती है। देन नेजल दो बोन प्रेजेंट होती है, हमारे नोज में ही प्रेजेंट होती है दोनों नेजल बोन। लैक्राइमल बोन जो होती है ये हमारे आइज के स्टार्टिंग में, आइज के साइड साइड में प्रेजेंट होती है लैक्राइमल बोन। और इन्फीरियर नेजल कॉन्चा भी हमारे नोज में ही प्रेजेंट होती है बोन। तो 14 फेशियल बोन्स आपको ध्यान रखनी है और 8 क्रेनियल बोन्स हमने डिस्कस की। अब हम ईयर ऑसिकल्स पे आ जाएंगे कि हमारे कान में 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर्स में होती हैं। इनके नाम देख लेते हैं, मेलस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा बिकॉज ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। मेलस दो बोन होती है, इनकस दो होती हैं और स्टेप्स दो होती हैं। तो 3 पेयर्स बोन प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में एक बार। ईयर ऑसिकल्स का डायग्राम ये है, ये आपके ईयर में, यहाँ पे ये ईयर पिन्ना है, उसके बाद ईयर स्टार्ट होता है। तो मेलस, इनकस और स्टेप्स ये तीनों आपको दिख जाएंगी, इस तरह से ये पैरेलली अरेंज होती हैं। ये तीनों ही ईयर ऑसिकल्स का डायग्राम है। उसके बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं क्रेनियम की 8 बोन्स स्टडी करने के बाद, 14 फेशियल बोन्स पढ़ने के बाद, ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन पढ़ने के बाद, अब हम एक हायोइड बोन देखेंगे। हायोइड बोन क्या होती है, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर अभी हमने पढ़ा था मैंडिबल बोन होती है, यहाँ पे लोअर जॉ में एक सिंगल मैंडिबल बोन प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे लैरिंग्स होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपके स्कल वाले रीजन में ही आ जाएगी। स्कल मीन्स आपकी पूरी जो खोपड़ी होती है। तो ऊपर से जो हमने पढ़ा ये हमने क्रेनियम पढ़ा, सभी बोन्स पढ़ ली। फेस पे जितनी भी बोन्स हैं हमने फेशियल बोन्स पढ़ ली। अब ऊपर कवर करने के बाद, फेस कवर करने के बाद, अब जब ईयर्स बच रहे हैं तो ईयर्स में हमने ईयर ऑसिकल पढ़ लिया और यहाँ पे नेक वाले रीजन में हायोइड बोन पढ़ ली। तो इतनी बोन्स आपको याद रखनी है, ये सभी चीज़ें स्कल में थी। तो स्कल वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टर्नम देख लेते हैं। ये आपका स्कल वाला जो पार्ट है ये पूरा क्लियर हो गया। 29 बोन्स यहाँ पे, 8 बोन, 14 बोन, देन 6 एंड देन 1, ये टोटल आपकी 29 बोन्स स्कल की कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम स्टर्नम जो कि एक सिंगल बोन होती है इसके बारे में देख लेते हैं, स्टर्नम जो है वो कैसा दिखता है। स्टर्नम ये है आपका स्टर्नम का डायग्राम। जो आपकी रिब्स होती हैं ये सेंट्रली फ्रंट साइड से अटैच होती हैं स्टर्नम से। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये आपका स्टर्नम है, मींस ऊपर से तो ट्रैकिया आ रही है ना, वहां पे स्टर्नम नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां जहां रिब्स अटैच होती हैं ये हमारा स्टर्नम हो। सभी रिब्स जो होती हैं इस स्टर्नम से अटैच होती हैं। तो स्टर्नम आपको क्लैरिफाई हो गया, ये स्टर्नम एक सिंगल बोन होती है, ये भी हमारे एक्सियल सिस्टम में ही आता है। तो स्कल पढ़ने के बाद, स्टर्नम को देखने के बाद, स्टर्नम एक तरह की फ्लैट बोन होती है जिससे हमारी रिब्स जो होती हैं वो वेंट्रली अटैच रहती हैं। इतनी चीज़ें आपको स्टर्नम के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम रिब्स के बारे में देखते हैं। 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है। तो 24 रिब्स के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से रिब्स होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रिब्स का डायग्राम है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में जितनी रिब्स होती हैं, फर्स्ट से लेके 7 तक जो रिब्स होती हैं, मींस हमने कहा ना 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो फर्स्ट से लेके 7 तक जितनी भी रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ठीक। उसके बाद 8 से 10 तक जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब कहलाती हैं। लास्ट में 11th और 12th पेयर जो होता है रिब्स का, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं बिकॉज वो पीछे से डॉर्सली अटैच होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन फ्रंट साइड में ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, इसी वजह से इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ट्रू रिब्स 1 to 7th रिब पेयर को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, 8 से 10th तक पेयर को हम फॉल्स रिब कहते हैं और 11th 12th पेयर को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। टोटल 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की, टोटल 24 रिब्स होती हैं। ये स्टर्नम है जो कि हम अभी डायग्राम में देख चुके थे, स्टर्नम से अटैच होती हैं सभी रिब्स, और रिब्स जो है वो स्टर्नम से अटैच होने के लिए यहाँ पे कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। हर रिब के आगे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज से जॉइन होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हमने रिब्स के बारे में भी पढ़ लिया, 24 रिब्स अब हमें क्लियर हो गई। अब हम वर्टिब्रल कॉलम देख लेते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 बोन प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है, तो इसके भी पोर्शन देख लेते हैं। ये पूरी ही वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नेक में जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम है इसे हम सर्वाइकल बोन कहते हैं, 7 होती हैं ये। उसके बाद चेस्ट में, मींस जो पूरी पीठ कवर करती है उसे हम थोरासिक बोन वहाँ पे कहेंगे, वहाँ पे 12 बोन्स होती हैं। उसके बाद नीचे जो होती हैं उसे लंबार बोन्स कहते हैं, यहाँ पे 5 बोन प्रेजेंट होती हैं। सैक्रम बोन्स प्रेजेंट होती हैं हिप बोन के पास में, सैक्रम बोन 5 बोन्स से फ्यू
फ्यूज होके बनी हुई होती है, लेकिन इसे हम काउंट एक ही बोन करते हैं। ये पांच छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो फ्यूज करने के बाद एक सिंगल बोन बनाती हैं सैक्रम। उसके बाद नीचे होती है कॉकेक्स, ये भी चार बोन से फ्यूज होके बनती है, लेकिन इसे हम एक काउंट करते हैं। कॉकेक्स एक सिंगल बोन है जो कि चार फ्यूज बोन से बना हुआ होता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम हमने देख लिया। सभी के डायग्राम आपको क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी क्लियर हो गया। तो स्कल में 29 बोन्स, स्टर्नम एक सिंगल बोन जो चेस्ट पे है, रिब्स 12 पेयर, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन। ये स्कल के बारे में आपने देख लिया, सभी बोन्स के बारे में। क्रेनियल बोन्स आपको 8 याद हो गई, फेशियल के 14 बोन्स, ईयर ऑसिकल्स 6 होते हैं, और हायोइड बोन ये हमने डायग्राम में भी देख लिया। सभी बोन्स के नेम जो है आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये याद हो जाएंगे। रिब्स के बारे में देखें तो अभी हमने डायग्राम में देखा था, ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 14 होती हैं, फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो 6 होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स 2 होती हैं। बिकॉज ये 1 से लेकर 7 तक जो होती हैं बोन्स वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। उसके बाद 8 से लेकर 10 बोन्स का पेयर जो होता है वो फॉल्स रिब कहलाता है, और 11th और 12th पेयर बोन्स का क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। तो ये चार बोन्स फ्लोटिंग रिब्स हो जाएंगी। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी हमने डायग्राम में डिस्कस कर लिया था कि जो सर्वाइकल रीजन होता है यहाँ पे 7 बोन होती हैं, थोरासिक में 12 होती हैं, लंबार में 5 होती हैं, सैक्रल में मैंने बताया था ना एक बोन काउंट होती है, तो ये एक बोन। कॉकेक्स भी 4 से फ्यूज होकर बना हुआ होता है, लेकिन एक बोन ही काउंट होता है, तो ये कॉकेक्स। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो सभी बोन्स कितनी कितनी, उस पोर्शन में कितनी बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। आपने डायग्राम की मदद से एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन देखा, आपने ये 8 क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ा, सभी क्रेनियल बोन्स आपको पढ़नी पड़ेंगी तब आपको याद होंगी। फेशियल बोन्स के बारे में हमने देखा, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ईयर ऑसिकल्स में आपको 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हायोइड बोन आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टर्नम है, चेस्ट कैविटी पे प्रेजेंट होता है सेंटर में, और सभी रिब्स अटैच होती हैं स्टर्नम से, एक्सेप्ट द फ्लोटिंग रिब्स जो कि स्टर्नम से अटैच नहीं होती। फिर हमने ये रिब्स का पेयर देखा और ये वर्टिब्रल कॉलम।